पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए भाई और बहनों, हम इस मिसाबली में योग रीति से भाग लेने के लिए दयालु परमेश्वर से क्षमा मांगे, जिससे कि मेरे पवित्र बलिदान में हम भाग ले सके। हे प्रभु यीशु, तू रोगियों को चंगा करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु यीशु, तू पापियों को क्षमा प्रदान करता है। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु यीशु, तू हमारे स्वास्थ्य और बल के लिए अपने को दे देता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, अपने दीन भक्तों की सहायता कर तथा तेरी दया पर भरोसा रखने वालों की देखभाल कर। हम पाप के कलंक से शुद्ध होकर पवित्र आचरण करते रहे और तेरी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी बने, यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करती है। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। अब्राम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उसे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके समस्त सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अवधूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वो मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरे पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता हूँ
कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उससे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस चालीसे के पांचवें रविवार के बृहस्पतिवार में प्रवेश किए हैं। आज प्रभु हम यही कहता है कि जो मुझ में विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। आइए हम अगले हफ्ते इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करेंगे। हमने तैयारी की है, तैयारी कर रहे उस पास्का की। हम फिर से प्रभु के साथ यही कहते हैं, प्रभु तू ही हमारा जीवन है, तू ही हमारा पुनरुत्थान है। हम आप में विश्वास करते हैं कि आपके बिना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, मेरे प्रभु मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारे स्वीकार करो, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा, दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारे स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा आप लोग का बलिदान प्रभु ईश्वर ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यह बलिदान तुझे पसंद आए, ये हमारे मन परिवर्तन में तथा समस्त संसार की मुक्ति के सिद्ध सहायक हो। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और आवश्यक है, हे पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारे कतो कल्याण है कि हम तुझे धन्यवाद देते रहे। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से हमारे दुर्गुणों का दमन करता है तथा हमारा मन अपनी ओर आकृष्ट कर मनोबल के साथ हमें पूर्ण जीवन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतों से मिलकर स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर
तत्रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली तो धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया जो धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहन सुधुले से पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसका वर संत योसेफ, वेदगण, संत फ्रांसिस डी सेल्स और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरी विश्व सेविकाएं बने रहे स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हें के साथ और इन्हें में, हे सर्वशुद्धा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समदार्तर महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमेन। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे, हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें शांति प्रदान कर। हम तेरे दया सदा पाप से दूर, हर विपत्ति सुरक्षित रहे और उस रोज की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने शिष्यों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास दृष्टिदार और शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप हर लेता है, और धन्य हम जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुख नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगे हो जाएंगी। ईश्वर ने अपने निज पुत्रों को भी नहीं बचाया, पर हम सबके लिए उनको समर्पित कर दिया और उनके साथ ही हम लोगों को सब कुछ दे दिया। अये भाई और बहनों, हमने इस प्रभु यीशु क्राइस्ट के जीवन शरीर को ग्रहण किया है, हम उसको धन्यवाद दें कि हमने उसने हमें सबको बुलाकर यीशु ख्रीष्ट समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया है। हे प्रभु यीशु, विशेष करके आज के जीवन दान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जहाँ भी हम जाए वहाँ हम आपको ले जाए और आपका जो जीवन जो है वो जीवन जीने की कोशिश करने के लिए प्रभु हमें आपकी निरंतर सहायता चाहिए, शक्ति चाहिए, सहानुभूति चाहिए। जो बीमार है प्रभु उनकी सुधि ले, जो त्रस्त परिवारों को सुरक्षित रख, और हम सबको आज जो जीवनदान दिया है इसमें प्रभु हमें एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने मुक्तिदायी परम प्रसाद से हमें तृप्त किया है, जिस संस्कार से तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हम अनंत जीवन के सहभागी बना। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, ईश्वर के आशीष के लिए अपने सर झुकाए। हे परमेश्वर, तू अपने प्रजा के प्रति अनुकंपा दिखा, जिससे हम दिनों दिन तेरे प्रति अप्रिय व्यवहार त्याग कर तेरी आज्ञाओं के अनुसार सदाचरण करें। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा सदा प्रभु की शांति बने रहें।